तो ये देखो बैंक अकाउंट जिसमें हमारे ससुर जी ने जो है 6 लाख रुपया ट्रांसफर किया है, इसमें मैं लाइव प्रूफ में आपको दिखाने वाला हूँ। और ये है मेरा कार का चाबी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। तो कल जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमारे घर में सांप घुस गया था, तो आज भी हम सब थोड़ा सा डरे हुए हैं और मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। यहीं से हमको आशीर्वाद दे दीजिए। और अभी मम्मी बोलिए कि खाना बना देते हैं। और सुहानी का भी थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं। बन रहा है कद्दू का सब्जी और चावल बन रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? अभी सुबह सुबह उठे हैं तो रील्स बनाना था, तो बाबू मेरी उठ करके आराम से वीडियो बना बना दिया। तो भाई अभी कैसे हम कुछ ऐसा भी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। मम्मी जब वीडियो अपलोड करे थे उसी टाइम हम खाना खा लिए, तो मम्मी खाना खिला दी थी अपने हाथों से। पापा जी का नंबर पे कॉल कर दिए, अभी निकलना है शाहपुर पटोरी। अभी सवेरे का शूटिंग तो कम्प्लीट हो चुका है। सुहानी बहन हम लोग मिलकर के बढ़िया शूट कर लिए हैं और हो सकता है तो एक दो और अभी शूट करेंगे। और फिर पटोरी इसलिए जाना है कि वहाँ पे पंखा दे करके आए थे तो पंखा वापस लाया नहीं है, और कहीं जाने का भी है तो वहाँ टिकट वगैरह करवाएंगे। फिर पहले वीडियो को अपलोड किए थे, आँख लग गया था, फिर से वही पुराना वाला टी शर्ट पहन लिए। और मम्मी वहाँ पानी पटवा ही नहीं रहे अभी तक खेत में, तो वही पटोरी से भी होके चले आते। 1 बजने वाला है। इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी देखे क्या कर रही है। क्या हो रहा है? खाना नहीं कर रहा है। खाना? सवेरे नहाए थे तुम? हाँ क्या बनाया खाने में? खाने में बनाया कद्दू का सब्जी रोटी। सवेरे से तुम भी खाना नहीं खाए ना? खाए। मम्मी पापा तो आज खाने में निकला हुआ है 2 रोटी, अभी 1 रोटी खा चुके दही के साथ में, तो दही मना कर दिया है तो दही नहीं खा पाए। आपकी प्यारी बहन बोली है कि कमर में आपको प्रॉब्लम होता है। ये देखिए सब्जी है, आपकी प्यारी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? अब हमको भी पसंद नहीं है, दही खाएंगे लेकिन मम्मी के डरे खाना पड़ रहा है ठंडा हो। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है, क्या हो पापा पानी नहीं पटा खेत में? मशीन खराब हो गया। हाँ मम्मी मशीन खराब हो गया, कल में पटेगा सवेरे, मशीन बना लेगा। तो अभी गए हुए थे मार्केट, तो मार्केट से लाए हैं स्प्राइट पीने के लिए मम्मी के लिए। ये देख सकते हो, मम्मी बोली थी एक दिन कोका कोला लाने के लिए तो हमको याद था, तो हम बोले ठीक है ला देते हैं। तो भाई साहब इधर निकल रहा है एकदम ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक, सुहानी का फेवरेट। मम्मी को दो, मम्मी को दो जल्दी से, मम्मी का बड़ा फेवरेट। मम्मी बोलती है हम कि हम पिएंगे, पिएंगे बोले पी लो आज ला दी, पिए ना पिए ना, शाम से पी लेंगे। थैंक्स थैंक्स। चलो पापा तुम पी लो, आइए सभी लोग से आप लोगों से निमंत्रण है अगर के पी लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, देख रहे हैं धूप निकल रहा है वहाँ से, तो इसीलिए थोड़ा ठंडा के लिए पीना बहुत जरूरी है। बेटा बेटी को जब तक नहीं पिलाएंगे तब तक मम्मी पीते है कभी? हाँ। तो बेटा बेटी आकर के भाई मैंने आप पी लीजिए पहले, तब मम्मी बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो दोस्तों देख सकते हो हम सब पी लिए हैं, ये देखिए पेट भकरी को एकदम पूरा, इसको डब्बा चाहिए पीने के लिए, डब्बे में मुला पी रही है। कोई बात नहीं भाई साहब, अभी इवनिंग का टाइम होने वाला है। अभी देख सकते हो आपकी प्यारी बहन सुहानी पुलिस बनी है, देखिए कितना क्यूट लग रही है, देख सकते हैं आप लोग। और बगल में गाना बज रहा है इसलिए हम लोग व्लॉग नहीं कर पा रहे थे, तो अब रील शूट करना है। पापा जी इधर हैं, कैमरा पकड़ेंगे, मम्मी भी इधर। मम्मी यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, पापा थोड़ा हल्का से उसको उसको साइड में हल्का, बस 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 उतना है। चलिए यहाँ का शूटिंग कम्प्लीट करते हैं, फिर पटोरी भी निकलना है हमको वीडियो शूट करने के लिए। तो गाइस वीडियो वगैरह एडिटिंग, तो गाइस वीडियो वगैरह बढ़िया से शूट कर लिए हैं और एक दो रील्स अपलोड करना था वो भी कर दिए हैं। गए थे पंखा देने के लिए और बनवाने के लिए, वहाँ से जाना है लाने के लिए। इधर मम्मी है, इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी है। हाँ। क्या कुछ लेके आइएगा ठीक, इसीलिए इससे ऑर्डर लेते हैं। ठीक है मम्मी निकल लें, आ जाएंगे हम। ठीक है जल्दी चलेंगे। क्या रुपया है? मम्मी से जब भी पैसा मांगते हैं ना जब मार्केट जाते हैं, तो मम्मी बोलती 10 रुपया है ले लो, 10 रुपये में क्या जाएगा, पैसा हाथ खाली है खत्म एकदम। हम बताइए हमारा प्यारा सा खुशी, इसमें पेट्रोल भी डलाना होगा और इसमें डिक्की में कुछ भर के भी लाना होगा, है ना? ठीक है मम्मी जा रहे हैं, आ जाएंगे शाम में 7 बजे तक। चलो छुटकी आराम से, घर से बाहर मत निकलना। तो भाई सब रास्ते में जा रहे थे और यहाँ का व्यू देखो आप लोग, कितना प्यारा सा है, कितना खूबसूरत सा है। ये देखो इधर से साइड साइड से गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, देख सकते हो आप लोग। तो रास्ते में जाते हुए ना बड़ा प्यारा सा व्यू लगा, तो हमने सोचा कि आप लोग को हम दिखा दें और बड़ा अच्छा भी लगा। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना तो गाड़ी आ रही है। अच्छा
ये समझिए कि हमारा गांव का मेन रास्ता पड़ जाता है मार्केट जाने के लिए, गांव जाने के लिए, फिर मार्केट से गांव आने के लिए, या फिर कहीं से टूर वगैरह से अपना कहीं अलग व्लॉग करने के लिए गए थे। तो भाई सब अभी पटोरी पहुंच चुके थे, दुकान बंद है जहाँ पे पंखा लेना है, तो थोड़ा बहुत काम था, पैसा वगैरह ट्रांसफ़र कराना था, तो वो काम हो चुका है। बगल में पूजा हो रहा है मंदिर में। क्या करें पापा, घर चले? हाँ। काम तो हुआ ही नहीं। हाँ, पटना गए हुए दुकान बंद करके, सुबह 7 बजे वाला ट्रेन से। तो ऐसा करते हैं, अब घर पर चलते हैं, चोर वगैरह में शूटिंग करना होता है तो वहाँ पर शूट कर। जस्ट अभी हम घर पे पहुंचे हैं, सुहानी के लिए लेकर आए हैं कचरी। पंखा नहीं बना, मम्मी कहाँ है? ऊपर में। आइए पापा बंद कर लीजिए। ओहो गर्मी बहुत लगता है गाइस। भैया साहब पटना चले गए, इस वजह से बन नहीं पाया। मम्मी पंखा नहीं बनाओ, गए हो तो पटना बोले कल आइएगा। पंखा नहीं बना तब क्या करें? हाँ कॉपीराइट लग जाएगा। आपकी प्यारी बहन सुहानी आलू से निकले रख रही है। क्या सरप्राइज, क्या बोलो? आपके लिए बिस्किट है। अरे बाबा क्या बात है, चलिए मस्त खाते हैं। क्या करेगा ऐसे, सब काम होना चाहिए। बगल में शादी हो रहा है तो अभी चुप रहना है, उसमें तो कॉपीराइट लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम पड़ जाएगा फिर। तो गाइस अभी हो चुका है शाम, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हमारी मम्मी जी जो है अभी भूज रही है बादाम और चिवड़ा का भुजा भूज रही है, देखिए कितना बढ़िया तरीके। और यहाँ पे देखिए आलू धुल करके रख दिया है, अभी चढ़ेगा, फिर आलू का सब्जी बनेगा और रोटी बनेगा। यहाँ पे देखिए मम्मी को चिवड़ा रखी हुई है, वहाँ पे बादाम, और वहाँ पे पापा जी बैठ करके देख रहे हैं। ये देखिए मम्मी को बादाम का भुजा, जल्दी जल्दी बोले, जल्दी जल्दी बुझ रहा है। जितने भैया लोग देखे दीदी लोग खा लीजिएगा। हाँ मम्मी को यहाँ पे देखे हमारा खरगोश महाराज जो है ये देखिए सोए हुए। यहाँ पे मम्मी जी उसके लिए घास भी आई, यहाँ पे हमारा अलवेरा, और बगल में बहुत ही ज्यादा गाना बज रहा है इसलिए जल्दी जल्दी जो है बोलना पड़ रहा है। और ये देखिए हम पानी ला करके रख दिया और अभी खाना बनेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा भैया को वीडियो का एडिटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल अभी यूट्यूब का न्यूज वाला वीडियो देख रहे हैं हम आकर के, क्या कर सकते हैं गाइस। अभी पंखा तो बना नहीं है और काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका बाल बच्चा है, आप शादी कर लिए तो वाइफ को नहीं ला रहे हैं, तो मिलेगा भाई मॉर्निंग में ये सब सारे बातों का जवाब हम देंगे। अभी फिलहाल खा लेते हैं थोड़ा मस्त जाते फिर जो करके तब। और ये देखिए बिल्कुल जोनी लेबर लग रहे हैं। थैंक्स बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे है बाबा। अभी सब्जी बना है आलू का, आलू दम इसको बम बोल सकते हैं आप लोग, और मस्त वाला है। इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी ने वीडियो शूट की है और हमको बोल रहे हैं कि आप जो है ना मुसीबत है, मुसीबत तो ही है, खर्चा इसके ऊपर लगेगा, शादी इसका किया जाएगा, घर से ही जाएगी, सब कुछ लूट के ही जाएगी, कंगाल हम होंगे, मंगा हम होंगे, हमको बोलती मुसीबत है बुढ़वा कहीं की। अच्छा नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा हो, तुम अमीर हो, बहुत अच्छा है, टकली बहुत सुंदर है। इधर मम्मी है, वहाँ पे पापा है, तो पापा भी जाएंगे भोज खाने के लिए। देख सकते हो पापा भी काम में अपना हाथ बटाने में लगे हुए हैं, और वहाँ पे नया नया लाइट लगा दिए पापा जी वहाँ पे, और मस्त एकदम उल्लू की तरह जल रहा है वहाँ, देख सकते हैं आप लोग। देखिए हंस क्यों रही है, तो उल्लू जैसे नहीं जलेगा तो कैसे जलेगा वो। और अभी हम रेडी हो गए थे, मम्मी थोड़ा हाथ धोता उठेंगे, आग फटफट आवाज़ करता है गाइस, तो डर लगता है वहाँ पे बैठने में, ऐसा सीन है। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे हाथ में देख सकते हो ये बैंक अकाउंट है, और ये है हमारे हाथों में क्या चीज है मैं अब ये बताने वाला हूँ। काफी सारे लोग बात करते हैं कि भैया आपको ना तिलक में बहुत सारे पैसे मिले हैं जिसको आप रिवील नहीं कर रहे हो गाँव में, बहुत सारे मम्मी पापा को भी सुनना पड़ता है, हालांकि मैं इस पे एक ब्लॉग बना चुका हूँ। तो ये देखो बैंक अकाउंट जिसमें हमारे ससुर जी ने जो है 6 लाख रुपया ट्रांसफर किया है, इसमें मैं लाइव प्रूफ में आपको दिखाने वाला हूँ। और ये है मेरा कार का चाबी। अरे यार शर्म करो,
बेटियों से तिलक लेना पाप है, सबसे पहले तो मैं जेल चला जाऊंगा, उसके बाद जो है मेरा परिवार का करियर खत्म हो जाएगा, सब भूखे रहेंगे, रोड पे चले आएंगे, चैनल नहीं चल पाएगा। तो भाई हमने शादी क्या कर लिया, आफत मचा रखी होगी, भैया ने इतना पैसा लिया है, इतना कमा रहे है, इतना ये चीज है, इतने 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 सारे ये चीज है। दहेज में अगर 6 लाख रुपया मैं लेता है ना, तो आज मेरे पास ना कुछ अच्छा घर, मतलब सब कुछ सही कर लेता। 6 लाख रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने स्कूटी लिया है तो भी उसका मैं ईएमआई भर रहा हूँ, हर महीने हमको भरना पड़ता है। सब्सक्राइबर बढ़ने से नहीं होता है, सब्सक्राइबर तो सबके बढ़ते हैं, व्यू बड़े होने चाहिए। व्यू बढ़ने से क्या होता है कि पेमेंट बनता है, डॉलर बनता है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नहीं बन रहा है, नॉर्मली चल रहा है, तो 2 महीने में या फिर महीने में हमारा पेमेंट आ जाता है, क्योंकि मैं ये अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमें हर महीने ईएमआई भरना होता है, हमारा 30 ईएमआई भरना है, 30 हर महीने करके, तो 30 सोच सकते हो, अभी तक 2 ही भरा है, तो सोचिए अभी कितना है। तो उससे क्या होता है कि अगर जिस महीने का पेमेंट आता तो कुछ पैसे बचा करके अकाउंट में छोड़ देते हैं, कि अगर मानिए कि अगले महीने ना आए पेमेंट ना आए, ठीक है, तो दोनों महीनों का मैनेज कर लिया, घर पे समझिए रूखा सूखा में ही काम चला लेते। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें भी बहुत जरूरी होता है ना मेरे पापा, जो हमारे साथ में रहना बहुत जरूरी है। मानिए गाड़ी है तो मानिए किसी का तबियत खराब हो गया, पुराना गाड़ी वो खराब हो गया है, समझिए उसको तो बेच भी देंगे कभी भी, लेकिन अगर कोई अच्छा गाड़ी हो, मानिए कि किसी का भगवान न करे कोई प्रॉब्लम हो, तबियत खराब हो गया, बगल में हॉस्पिटल ही जाना है, तभी इमरजेंसी में कोई गाड़ी ना मिले, अपना गाड़ी है तुरंत निकालेंगे, हमने चले जाएंगे स्कूटी पे बैठ करके। तो यही सब चीजें होता है, बाकी ये सब अफवाह ना फैलाए कि हमने इतने पैसे लिए इतने पैसे लिए। भाई हमारे पास 6 बहन खुद है, हमने खुद हमारे पापा ने अपने हाथों से 6 बहन को विदा किया है। सोचो कितना दुख लगता होगा कि अगर 6 लाख रुपया अगर सभी में देना पड़े तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, लूट जाएंगे। तो वही दूसरे का बेटे का भी फीलिंग समझा करो, बाकी ऐसा कमेंट मत करो कि आप अपने बीवी को वहाँ छोड़ करके रख दिए हो, ऐसा हो वैसा हो। भाई देखो जो है मैंने सच्चाई आपको बता दिया, बाकी आपका मानना है मानो, बाकी जो लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। बाकी भाई साहब बड़े बड़े लोगों ने एक चीज सही कहा है, हमने उनकी वीडियोस में भी देखी है कि गांव के और अड़ोस पड़ोस के लोग कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, आपको जो चाहने वाले रियल जो अलग से आपके दूर दूर से वीडियो देखते हैं आपके फैन है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ही मेरे लिए सही है, अड़ोस पड़ोस को हमको नहीं चाहिए भाई, कभी किसी का ना हुआ है ना होगा ना कभी आपको सपोर्ट करेगा। वो तो चाहेगा कि ये कब से गिर जाए, कब नीचे हो जाए, कैसे भी करके ये बदनाम हो जाए। यही लोग बात फैलाते हैं, लोगों के बीच में पहुंचता है कि भाई उसने इतना पैसा लिया होगा, क्योंकि वही मानसिकता, क्योंकि आपकी सोच है, आपकी सोच में कि मैं तिलक लूंगा, तो आपका उसी प्रकार से कमेंट करते हो, उसी प्रकार से बातें करते हो, उसी प्रकार से आवाज उठाते हो, क्योंकि जैसा इंसान का जो सोच है वैसा ही सोचेगा। मेरे बारे में लोग सोचते थे कि ये गिर जाएगा, इसका चैनल खराब हो जाएगा, डाउन हो गया, बीच में बहुत सारा रोना धोना वाला हमने भी बहुत वीडियो बनाई, बहुत लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट करा, लेकिन हाँ एक चीज माइंड में हमारे साथ में था कि मुझे आगे बढ़ना है, विश्वास था कि मुझे आगे बढ़ना है, दुनिया चाहे कुछ भी कर लो, बढ़ गया हूँ, बढ़ रहा हूँ। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही, चैनल पर चैनल को पढ़ा सब्सक्राइब करो, बगल में इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो करो, और मैं किंदु निकाल के मेरा वाला को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।